सो यूज गाइस, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आई नो ये व्लॉग लिटरली 4-5 दिन बाद आ रहे हैं। देखो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जब भी निकल रहा था तो बारिश आ जा रही थी। एंड GoPro इतना वाटर प्रूफ भी नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंस होता है बट वाटर प्रूफ नहीं होता, सो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बाकी जो जो बातें थी मेरे को आपको मोटर व्लॉग पे बतानी है। एंड कपड़े वहाँ पर आ रहे होंगे साइड में, वो अवॉइड करना। बाकी जल्दी जल्दी निकलते हैं घर से। सो या गाइस अभी मैं अभी अपने घर से निकल चुका हूँ एंड अभी चेक कर रहे हो वेदर कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है लिटरली। मतलब बारिश के बाद राइड करने का मज़ा इज ऑसम मैन। थोड़ा चलते हैं जल्दी। एंड बीच बीच में पानी भी हो रहा होगा एंड बाइक मेरी ऑलरेडी गंदी है बट मेरे को अपने शूज़ वगैरह गंदे नहीं करने, सो नो प्रॉब्लम। ये चेक कर रहे हो व्यू और कितना सही लग रहा है लिटरली, मतलब ऑसम यार। एंड आज संडे मार्केट भी है तो यार इधर पे तो भीड़ होगी। बहुत समय से मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर बारिश की वजह से, सो आई एम रियली सॉरी गाइस। बाकी अभी व्लॉग्स वगैरह आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, जब जब बारिश रुकेगी यार मैं तभी व्लॉग्स वगैरह मतलब बना पाऊँगा। सो जल्दी जल्दी चलते हैं फिर अमदारा की तरफ, वहाँ थोड़ा बहुत मेरा काम था। बाकी मेरे को कुछ रिलेटेड आपको बात करनी थी जो अपनी राइड वगैरह उससे रिलेटेड। सो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग वाले वीक में आपको राइड देखने को मिली जाएगी। बाकी फिर मैं वहाँ पर किसी से मिलने भी वाला हूँ एंड बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो आप मिस ना करो, उसके लिए मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी यार इसका निकल इससे आगे निकलते हैं। हाँ कितना प्यारा वेदर हो रहा है और लिटरली जो हवा चल रही है ना, मतलब ऐसा सोच रहा है यार धूप कभी आए ना भाई, ऐसा ही मौसम रहेगा ना कसम से कितना भी व्लॉग शूट कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती। भाई जरा थोड़ा बहुत खींच लेते हैं बट ज़्यादा खींच इसलिए नहीं रहा हूँ ना बिकॉज थोड़ी रोड स्लिपरी है एंड मेरा पीछे का जो टायर है ना वो लिटरली यार मतलब पूरा ख़त्म है, सो मैं खींचने के बारे में तो सोच ही नहीं रहा हूँ। चल यार इलेक्ट्रिक है ना कसम से, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना इनमें घंटा भी पावर नहीं है। नीचे को तो उतर ही जाते हैं सब व्हीकल्स बट यहाँ से ऊपर चढ़ने में जो इनकी हालत होती है ना कसम यार, पीछे जो हमको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स भाई, ये पता चढ़ ही नहीं पाते। एंड इनके ऊपर हल्का भी लोड होगा ना भाई कसम से ये तो नहीं चल पाते। बाकी यार नहीं मेरे को यहाँ भीगना नहीं था बट कोई नहीं, आराम आराम से चलूँगा मैं, बहुत प्यार से बहुत ज़्यादा प्यार से, प्लीज़ मुझे नहीं भीगना एंड मेरी बाइक को भी गंदा नहीं होना, सो प्लीज़ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, बस बस जस्ट हो ही गए बस यार। मेरे को अपने शूज़ की है, मेरे को ज़्यादा किसी और चीज़ की नहीं है। बाइक तो मैं दोबारा धो दूंगा बट शूज़ को साफ़ करने में मेरी हालत पतली हो जाती, बड़ी मुश्किल से साफ़ रखता हूँ मैं इनको। तो चलो कोई नहीं, आते टाइम अगर हर्षल मिलेगा तो उससे भी बात वगैरह कर ही लेंगे। एंड लिटरली यार घूमने का भी मेरा सीन हो नहीं पा रहा, सो कोई चक्कर नहीं, मैं वरना पता है शाम को भी ज़्यादा घूमने नहीं आ पा रहा हूँ। भाई 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 चलो अच्छा है यार खाली तो मिला, हर समय जब भी आता था रुकता ही था यहाँ पर मैं। अबे यार एंड यार मेरी जो आरसी है था, मेरे को अपने ड्यूक के आरसी लेने भी उधर जाना था, मतलब अपने रामनगर लेने जाना था बट यार उस दिन मैं गया उस दिन पता मैंने दो राउंड काटे, एक बार ब्लॉग में तो मेरे को मिला नहीं बट ब्लॉग मैंने एंड कर दिया था, फिर शाम को मैं फिर से गया बट मेरे को शाम को फिर से नहीं मिले अपनी आरसी। सो अब या तो कल मैं जाऊंगा तो कल उसका भी ब्लॉग आपको देखने को मिल ही जाएगा। बट यार भाई क्या ठंडा लग रहा है, मुझे लगा गर्मी लगेगी इसलिए मैंने अंदर से कुछ पहना नहीं इसके, ये देख रहे पूरी जाली है भाई इसमें कुछ नहीं अभी,
हाँ ठंडियों के लिए ये ठीक है जब अगर इसके अंदर से तुमने कपड़े पहन रखे हो, बट वैसे तो बिल्कुल भी नहीं यार, कसम। आगे की जो सीट है ना उसमें भी कुशनिंग करा लेनी चाहिए थी, बाकी चलो कोई नहीं, बट उससे सीट हाइट बढ़ जाती ना, दैट्स व्हाई मैंने कराई नहीं। सब वही चीज है। बाकी यार चलते हैं थोड़ा आगे आगे की तरफ, मौसम इतना प्यारा हो रहा है तो सोच रहा हूँ एक बार रामनगर जाके आ जाएं। ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं वैसे मेरा रामनगर, बट थोड़ा घूमते घूमते चल दें, मौसम इतना प्यारा हो रहा है। इस मौसम में एक ही चीज़ की याद आती है, बट कोई नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। भाई कितना ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है यार, कसम। बस आप वेट कर लो यार, जहाँ पर जाने वाला हूँ ना लिटरली अगस्त में ना, वहाँ पर और भी ज़्यादा प्यारा मौसम होता है। सो प्लीज़ उस चीज़ का वेट कर लेना, एंड मेक श्योर यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स हिट कराओ यार, 10K जल्दी से जल्दी कराओ। वहाँ जाने से पहले पहले हमने हिट करना है 10K सब्सक्राइबर्स, तो भाई जितना भी जल्दी हो सके यार अगर आप करा सको तो करा देना। वही यार कितना ठंडा हो रहा है अब, मेरे को पता है थोड़ी सी भी ठंड वैसे सहन नहीं होती, बट लिटरली यार थोड़ा थोड़ा ठंडा तो होने लग गया अब। बाकी हाँ कुछ लोग मेरे से कह रहे थे यार राइड्स आने के बाद उतने जितने भी लोग हैं वो सब आ चुके थे, उसके बाद एक मेरे को नीरज तो मिल गया था, उसके बाद वो भी मतलब कभी कॉल उठा रहा था कभी नहीं उठा रहा था। बाकी जितने भी बंदे थे उनसे मेरी ज़्यादा कुछ बात हुई नहीं, बाकी मैंने मिलने के रिलेटेड बात करी तो वही है, सब थोड़ा बहुत या तो बिजी रहते हैं या तो बिजी होने का बहाने मारते हैं, सो वही चीज़। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं मिलना सो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं मिलना तो भाई इतना कोई मैं भी वो नहीं हूँ इंटरेस्टेड मिलने के लिए। वो तो मैं सोच रहा था यार राइड पे नहीं जा पाया था तो साथ में मतलब मिल तो लेते हैं उसके बाद आने से, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। आंटी बता ऐसे देख रही थी, मतलब मैंने ये देखे राइडिंग गियर्स पहन रखे हैं ना, तो आंटी भी बोल रही होंगी क्या पहन रखा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी चलते हैं रामनगर की तरफ, एंड जब पहुंचने वाले होंगे मिलते हैं आपसे। मेरे को अभी एक चीज़ अपनी उसमें करानी थी इंस्टॉल, मतलब मेरे को एक बस थोड़ा सा ना जो ब्लैक फिल्म होती है ना वो अपने जो ब्रेक लाइट है ना उसके पीछे करना था मेरे को, एक स्ट्रिप जैसी बनानी थी ना, मैंने एक रील में देखी थी यार वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मेरे को, बंदे का नाम तो मेरे को याद नहीं, बाकी देखता यार अभी इसमें हो जाता है सो वेल एंड गुड। बाकी एक बार पता कर लेते हैं भाई शॉप पर, ये शॉप कहाँ चली गई। ओके इसको पूरा मैं ब्लैक कर दूंगा, बस एक स्ट्रिप जैसी बचे रहेगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिलहाल जो अपनी लाइट वगैरह वो निकल चुकी है, एंड ये चेक करो इसमें अभी होने वाला है कौन सा वाला, मैट ब्लैक है भैया, ग्लॉस ब्लैक होने वाला है, एंड इसकी जो स्ट्रिप आएगी ना वो चेक करना, मतलब लगने के बाद दिखाऊंगा आपको कैसी लगती है। जो अपनी ब्रेक लाइट है ये चेक कर रहे हैं, पूरी ब्लैक हो चुकी है, जेड ब्लैक हो चुकी है, बाकी इसमें भी एक स्ट्रिप जैसी मतलब यहाँ से कट होगी, तो इसकी देखना लुक कैसा आएगा, बाकी चेक कराता हूँ आपको। लाइट को ऑन करके देख चेक कर लेते कैसी लग रही है, बाकी आई नो बढ़िया भी लग रही है। ठीक है भैया फिर, थैंक यू। ओके भैया फिर आता हूँ मैं, हेडलाइट भी बाद में करानी है। ओके भैया। सो गाइस अभी जो मैंने अपना करानी थी ब्रेक लाइट स्मोक वगैरह, एंड ये चेक करो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब तो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं। सो गाइस अभी मैं जा रहा था रामनगर, बट मेरे को याद आ गया था बीच में कि मेरे को इसकी जो ब्रेक लाइट है ना वो पीछे से पूरी काली करानी है, एंड इससे जो लुक आता है ना, मतलब जो डुगाटी की लाइट्स आपने देखी होंगी ना उसमें डी लिखा आता है ना, बट इसका डी तो नहीं, बट इसका एक प्रॉपर जो स्ट्रिप है ना वो दिखती है ना, सो इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना कसम। सो मैंने जब से यार देखा था मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं भी करा के देखता हूँ कैसी लगती है। बाकी यार अभी निकलते हैं घर के लिए, देखो इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह धीरे धीरे होते रहेंगे, मैंने धीरे धीरे बाकी गाइस इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह होते रहेंगे ये चेक करो, मतलब इसमें मैंने मिरर्स वगैरह, एंड धीरे धीरे मैं धीरे मतलब जितना मेरे से हो सक रहा है धीरे धीरे मैं इसमें मॉडिफिकेशंस करते जा रहा हूँ,
बाकी आपका काम है मेरे को सपोर्ट करना, एंड जितने जल्दी हो सके मतलब मैं वो राइड करूँगा, वो मेरी सोलो राइड ही है, तो जितना हो सके यार उसमें भी मेरे को सपोर्ट दिखाना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं मतलब मेरे को ज़्यादा घंटे तो लगेंगे नहीं यहाँ से, बट तब भी जितना हो सके उतना सपोर्ट आप दिखाना। बाकी यहाँ निकलते हैं घर के लिए। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, लिटरली अब लग रहा है मेरे को मतलब पता है मैंने आज ना मेरे को इतना ज़्यादा ठंडा लगा मैंने कंबल भी निकाल लिया था। मैं कंबल वैसे लिटरली जब ना रेनी सीजन थोड़ा बहुत हो जाता है ना मैं तभी निकाल लेता, मेरे को तभी ठंडा लगने लग जाता है, एंड अभी इसके अंदर मैंने कुछ पहना नहीं, मेरे को फिर से ठंडा लग रहा है, इतनी ज़्यादा हवा पास हो रही है ना। बाकी हाँ गर्मियों के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ है, बट विंटर्स में ना इसमें आपको बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह पहनने पड़ेंगे, एंड ये एडजस्ट हो जाते हैं ना इसके सारी चीज़ें जितने भी स्ट्रिप्स वगैरह हैं सारी एडजस्ट होती हैं, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार हर्षल को भी कॉल करके देख लूँगा, अगर हर्षल मेरे को मिल जाता है सो वेल इन गुड। सो गाइस अभी मैंने हर्षल को कॉल तो कर लिया था, बाकी कह रहा था अभी आता हूँ करके, जस्ट इधर ही आ रहा है वो, तो अभी दिखाते हैं और उसको मेरे को दिखाने थी ये मतलब ब्रेक लाइट कैसी लग रही है करके, बाकी जब आता है मिलाते हैं आपसे। इसके पीछे देख, पीछे देख, ब्रेक लाइट देख, ब्रेक लाइट, हाँ देख, हाँ कैसा, बस बढ़िया, मॉडिफिकेशन का कीड़ा हूँ मैं, देख ली, अभी करा के ला रहा है मैं, अभी उसका ये कराऊंगा और अभी इसकी हेडलाइट भी करानी है मैंने, हाथ कौन मिलाएगा जरूरी है पैर भी ला ले अभी मैं उसकी वो भी सोच रहा था, बट मैंने कहा अभी रहने देते यार विजिबिलिटी नहीं रहेगी, पूरी जेड ब्लैक करा के कह रहा तो 100 खींच दो, पकड़ ले भी आगे से पकड़ ले, कोई शिफ्टर का काम वही हाँ ना ना किसी में नहीं आता, उनमें से किसी में नहीं आता यार, ये कोई शिफ्टर वगैरह किसी बिना पकड़े नहीं है भाई डालना पड़ता है रात बिना हाथ डाले नहीं होता, ये कहाँ जा रहे हैं, अच्छा इधर को ही आगा, इसकी ट्रेन निकलती इससे लुक और आ जाता फिर इसका, बट ट्रेन निकालनी नहीं यार, फिर इसकी टेल टाइडी बतानी है, देखूंगा यार इसकी टेल टाइडी ना पता है जब ये व्हील वो होता है ना ऊपर तब ये टायर उछल जाता है ना वो नंबर प्लेट पे लग जाती है सीधा, उधर ही आएगा, चलो वही चीज है ऊपर को जा रहा है किधर को किधर ऊपर कहाँ को जा रहा है, चलना चल चल चलो 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 किसकी हाँ हाँ किसकी स्पीड इसकी मैंने 160 की टच कर रखी है। सो गाइस अभी निकल रहा हूँ मैं, मतलब अभी प्रांजल के घर आ रखे थे, बाकी यार निकलते हैं अभी घर के लिए, बाकी हल्की बहुत बारिश वगैरह भी आ रही है सो कोई चक्कर नहीं यार, आराम आराम से चलते हैं, यही चक्कर है मतलब यही बारिश की वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पा रहा था, बाकी आई नो लेंस में भी हल्का बहुत पानी वगैरह आ गया होगा सो वेरी वेरी सॉरी, बट कोई दिक्कत नहीं यार, बारिश में भी जितना होगा ब्लॉग वगैरह तो शूट करना ही है, बाकी इसमें और भी मॉडिफिकेशन होंगे, मैंने हर्षिल का यार मैं दिखाना भूल गया था आपको, उसने भी स्कूटी में ना अच्छा खासा कर लिया यार, वैसे ही मेरे को पूरा वही वाली, भाई ये वाइजर बंद करके तो मैं अंधा हो जाऊंगा,
कसम से कुछ नहीं दिख रहा, वाइजर बंद करके इससे बढ़िया खोल ही लेता हूँ, हल्के हल्के चल लेता हूँ भाई। वाइजर बंद करके पता नहीं क्या हो जा रहा, पूरी मतलब हो रहा ना स्मोक टाइप जितना भी है पूरा स्मोक जैसा हो जा रहा है मुंह के सामने। कोई दिक्कत नहीं, चलो बाकी निकलते हैं यार घर के लिए। ये भाई ई रिक्शा के पीछे तो मैं कभी नहीं रहूंगा कसम, यहाँ पानी भरे रहता है ना, सो वही चीज। लो भाई ट्रेन को भी अभी जाना था ऊपर से, बाकी यार बस आराम आराम से चलते हैं, छींटे वगैरह मारेंगे सो इसलिए आराम आराम से चलते हैं। भाई कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा पानी हो रहा है। बाकी अब ऊपर रखने का मन भी, अब ऊपर ही रख लेता यार पैर, मैं अपने जो बूट्स वगैरह यार वो ख़राब नहीं करना चाहता। बाकी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं यार जस्ट। बाकी गाइस होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई नो ज़्यादा मतलब इसमें कुछ उतना इंटरेस्टिंग तो नहीं था, बट मैं अपनी जो पीछे की ब्रेक लाइट है उसमें जो काम करा रखा था वो मैंने आपको दिखा दिया था। बाकी आई होप सबको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे कौन नई वीडियो के साथ, जय श्री राम, बाय गाइस।